चलो इसके अंदर दूसरे टाइप के क्वेश्चन। ओके चलो, दूसरे टाइप के क्वेश्चन मतलब कैसा क्वेश्चन वो मैं आपको पहले बता दूं कि अब तक आपने देखा कि फंक्शन दिया होगा आपको, फंक्शन इज गिवन। ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा, फंक्शन दिया होगा उसकी मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू में फाइंड करनी होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं और उसको जीरो लेते हैं, एक्स फाइंड करते हैं और उस एक्स पे लोकल मैक्सिमम या फिर लोकल मिनिमम डिफाइन करते हैं। ये क्वेश्चन था। तो अब आप ये समझ लो, बट अभी तो हमें क्या दिया होगा, अब हमें क्वेश्चन के अंदर आपको एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम और मिनिमम ऐसा बोला होगा कि एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम है या फिर मिनिमम, दोनों में से एक बात बोली होगी। मैक्सिमम है तो मैक्सिमम बोल दिया होगा, मिनिमम है तो मिनिमम बोल दिया होगा। और उसके बाद एक्स फाइंड करने को बोला होगा कि एक्स की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट केस, अगर एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम, आपको ये बोला कि एफ ऑफ एक्स इज अ मैक्सिमम, फंक्शन मैक्सिमम है तो एक्स कैसे फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ डैश एक्स, फर्स्ट स्टेप इज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो ले लो। एफ डैश एक्स इज जीरो, एफ डैश एक्स जीरो लिया, डिफरेंशिएशन करो उसके बाद जीरो लो। एफ डैश एक्स फाइंड करो, सॉरी, उसके बाद एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो ले लो। ओके, सेम स्टेप है, आप देख लो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो लिया और उसके बाद फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू C1, C2, C3 जो भी मिलती है फाइंड कर लो। यहाँ पे तो मैं बोल देता हूँ एक ही मिलेगी, अब के जो जितने भी क्वेश्चन है, चलो वो एक वैल्यू मिली। उसके बाद आप बोल दो कि कहाँ पे मैक्सिमम है कहाँ पे मिनिमम है, बस उस हिसाब से आपको एक्स फाइंड करना है। क्लियर है? तो थीरी वही है बट थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। तो आप अगर मान लो कि एक ही वैल्यू मिली है, C1 ही मिला हुआ है, तो अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट चल रहा है, चलो SDT, एफ डबल डैश C1 अगर मान लो लेस देन जीरो आया तो इट विल बी मैक्सिमम वैल्यू फॉर द एफ ऑफ एक्स, और एक्स कहाँ पे मैक्सिमम है तो एक्स इक्वल टू C1 पे मैक्सिमम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, अभी जितने भी क्वेश्चन बाकी है उसमें हमें बताना है कि कहाँ पे मेन टारगेट होगा, कितना मैक्सिमम है, नहीं मेन टारगेट क्या, कहाँ पे मैक्सिमम है और कहाँ पे मिनिमम, ये हमारा टारगेट हो जाएगा। ओके, तो सेकंड केस अगर एफ ऑफ एक्स मिनिमम हुआ तो हमें क्या समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि एफ डबल डैश एक्स पहले फाइंड करो, एफ डबल डैश एक्स जीरो ले लो और एक्स की वैल्यू फाइंड करो, एक्स की वैल्यू मान लो आ रही है C2, तो यहाँ पे मिनिमम होने के लिए एफ डबल डैश C2 ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। बस ये चेक करने के लिए, ये चेक करो, ये चेक करने के लिए आपको बोला है। ओके, क्लियर? चलो अब क्वेश्चन, क्वेश्चन में प्रॉब्लम यह है बुक के अंदर, एक्चुअली प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकते बट थोड़ा बहुत आपको ध्यान देने वाली चीज कि भाई क्वेश्चन यहाँ पे आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला कि एक फंक्शन दिया और आपको बोल दिया कि फंक्शन मैक्सिमम कहाँ पे है फाइंड कर लो। चलो ऐसा नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पे दो वेरिएबल में आएगा। पहले कितने वेरिएबल में आएगा, दो वेरिएबल में। तो दो वेरिएबल में क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान देना, दो वेरिएबल में। अब ये चीज मैं आपको पहले क्वेश्चन तो नहीं बताऊंगा, पहले आपको मैं समझा देता हूँ फंक्शन कितने, फंक्शन के अंदर कितने वेरिएबल हो गए, टू वेरिएबल। पहले ये देख लो, टू वेरिएबल, बट हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पे, एक वेरिएबल में। और एक वेरिएबल में क्या करना है वो हमें पता है, फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल है तो क्या करना है हमें पता है। तो एक वेरिएबल में उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दो वेरिएबल है तो उसके बीच में हमें पहले रिलेशन चाहिए होगा और उसके बाद उस रिलेशन का यूज करके दो वेरिएबल वाले क्वेश्चन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, दो वेरिएबल वाले फंक्शन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट किया जाएगा, या फिर वो एफ ऑफ एक्स जुदा मान लो दो वेरिएबल एक्स एंड वाई है। ओके, तो सबसे पहले दोनों के बीच में हमारे पास रिलेशन होना चाहिए। मतलब कि रिलेशन मतलब क्या है कि एक्स को मैं वाई में कन्वर्ट कर सकता हूँ, वाई को एक्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मान लो हमारे पास फंक्शन है, चलो दूसरा फंक्शन बता देता हूँ, एक फंक्शन है एक्स क्यूब इंटू वाई। क्या है फंक्शन? एक्स क्यूब इंटू वाई। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको अगर एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो मुझे वाई की वैल्यू रख देनी चाहिए। ओके, तो आप यहाँ पे एक्स क्यूब है
और यहाँ पे वाई जो है ना, वाई की वैल्यू एक्स में रख दो, इसलिए पूरा इक्वेशन किस में आ जाएगा, एक्स में आ जाएगा, तो इट इज एफ ऑफ एक्स। क्लियर है। दूसरा, अगर मान लो ऐसा है एक्स क्यूब इंटू वाई रेस टू टेन, ऐसा लिखा हुआ है, चलो तो अब आपको समझ में आ रहा होगा पावर बड बहुत ज्यादा है यहाँ पे वाई की, तो एक्स वाई की वैल्यू नहीं रखनी चाहिए, एक्स की वैल्यू रखनी चाहिए, तो एक्स की वैल्यू वाई में रख दो, होल क्यूब तो है ही और वाई रेस टू टेन है ही, तो अब ये जो आने वाला है वो क्या होगा, एफ ऑफ वाई होगा। तो फंक्शन को या फिर एक्स में या फिर वाई में कन्वर्ट करना, ये टारगेट रखना, याद रखो। और किस में कन्वर्ट करना है, एक्स में करना है, वाई में कन्वर्ट, वो तो आपको क्वेश्चन देख ही पता चलेगा कि एक्स मेरे लिए फंक्शन इजी रहेगा और वाई मेरे लिए इजी रहेगा, वो आपको क्वेश्चन देख के ही पता चलेगा। क्लियर है। तो अब तक जितने भी क्वेश्चन है उसके अंदर सबसे पहले एक्स एंड वाई का रिलेशन फाइंड कर लो, उसके बाद फंक्शन को देखो और फंक्शन में फंक्शन को पूछो कि फंक्शन एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर वाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो आपको देखना है। और उसके बाद तो एफ ऑफ एक्स या फिर एफ ऑफ वाई आपके पास आ गया, उसके बाद तो सेम प्रोसीजर है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया था। ओके चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन है, थोड़ा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है क्वेश्चन में, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है जो आप समझ रहे हो इस टाइप का। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, x नॉट इक्वल टू जीरो, y नॉट इक्वल टू जीरो, ये दो वेरिएबल है, एंड बोला हुआ है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। पहला क्या बोला है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। मैं क्वेश्चन पूरा डिस्क्रिप्टिव नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x प्लस वाई दोनों का समेशन क्या है 35, एंड x स्क्वायर इंटू वाई रेस टू 5 इज मैक्सिमम। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इज मैक्सिमम इज गिवन, इट इज अ मैक्सिमम, x स्क्वायर इंटू वाई रेस टू 5 इज अ मैक्सिमम, देन फाइंड x एंड y। ओके सिंपल, चलो हमें x एंड y फाइंड करके देने इसको। तो सबसे पहले क्या समझना है हमें, मैंने बोला इस तरीके से, यहां पे लिखा हुआ है रिलेशन दिया होगा, यस रिलेशन, अगर आप नहीं लिखोगे रिलेशन वर्ड तो भी चलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। तो आप y को x में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर x को y में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फंक्शन की बात कर लेते हैं, फंक्शन क्या है, ये फंक्शन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई रेस टू 5 विच इज टू बी मैक्सिमम। ओके ये मैक्सिमम होना चाहिए, बट अभी आप याद रख समझो यहाँ पे ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मैं कर रहा हूं। चलो इसको एक्स में कन्वर्ट करना है या फिर वाई में, आप दिमाग लगाओ किस में ज्यादा इजी रहेगा सिंप्लीफाई करना। ओके अगर आप वाई को एक्स में कन्वर्ट करो तो यहां पे y की जगह पे 35 माइनस एक्स लिखना पड़ेगा और होल रेस टू 5 आएगा, समझ में आ रहा होगा। तो 35 माइनस वाई होल रेस टू 5 ये थोड़ा आपको प्रॉब्लम कर सकता है, बल्कि ये देखो देखो इसको अगर x की वैल्यू y में लिखी, y माइनस 35 होल स्क्वायर, तो इसका सिंप्लीफिकेशन करने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्लियर है। तो मैं क्या करने वाला हूं यहां पे, x की वैल्यू y में रखने वाला हूं, x की वैल्यू मैं y में रखूंगा, y की वैल्यू x में नहीं, याद रखना। ओके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो x की वैल्यू y में रखेंगे तो y सॉरी 35 माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू वाई रेस टू 5। ओके तो ये पूरा प्रॉब्लम y में कन्वर्ट हो गया, तो फंक्शन का नाम देंगे एफ ऑफ वाई। अब तक तो एफ ऑफ एक्स ही देखा था आपने, बट कोई बात नहीं, एफ ऑफ वाई आ रहा है तो सिंपल है, एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ वाई आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक्स की तरीके से ही इसको ट्रीट करेंगे। चलो द फंक्शन इज अवेलेबल, अब हमारा स्टेप देख लो, मैक्सिमम होने के लिए क्या करना है, एफ डबल डैश एक्स फाइंड करना है, मतलब एफ डैश वाई फाइंड करना है, एफ डैश वाई इक्वल टू जीरो लेंगे, वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे और उस वाई के लिए चेक करेंगे कि डबल डैश लेस देन जीरो आ रहा है इसलिए मैक्सिमम हो। क्लियर। तो फर्स्ट स्टेप एफ डैश वाई, तो एफ डैश वाई क्या होगा, तो ये तो एफ इंटू जी है, एफ इंटू जी का डिफरेंशिएशन कैसे होता है आपको समझ में आ रहा होगा, पहला कांस्टेंट दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा कांस्टेंट पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो 35 माइनस वाई होल स्क्वायर कांस्टेंट, वाई रेस टू 5 का क्या होगा 5 वाई रेस टू 4। ओके विथ रिस्पेक्ट टू वाई है तो कोई प्रॉब्लम,
होने वाला नहीं है। अब माइनस वाई रेस टू फाइव कॉन्स्टेंट मतलब वाई रेस टू फाइव कॉन्स्टेंट प्लस 35 माइनस वाई स्क्वायर, तो इट इज 2 × 35 माइनस वाई इंटू माइनस वन वाई का। समझो पहले डिफ्रेंसिएशन को अच्छे से, फिर से बता देता हूं कि क्या किया हमने, y 35 माइनस वाई होल स्क्वायर कॉन्स्टेंट, वाई रेस टू फाइव का क्या होगा पावर आगे पावर कम, तो इट इज y 5 वाई रेस टू फोर, एंड दूसरी बात y रेस टू फाइव इज अ कॉन्स्टेंट, इसका क्या होगा पावर आगे पावर कम करोगे तो 2 × 35 माइनस वाई इंटू माइनस वाई, मतलब इसका डिफरेंशिएशन माइनस वन। ओके चलो अब क्या क्या कॉमन, इसको सिंप्लीफाई करना है अच्छे से, तो क्या क्या कॉमन निकाल सकता है वो निकाल दो। तो इज इक्वल टू, पहले तो 35 माइनस वाई का एक पावर कॉमन निकलेगा, तो 35 माइनस वाई कॉमन, वाई की पावर देखोगे तो वाई रेस टू फोर निकलेगा, बाकी कुछ नहीं, देख लो एक बार। तो 35 माइनस वाई एक बार कॉमन निकल गया यहाँ पे, तो एक ही रहेगा, तो 35 माइनस वाई एक रहेगा, और यहाँ पे इंटू फाइव, तो 5 × 35 माइनस वाई, और यहाँ पे क्या बचेगा, एक तो माइनस वन बचा, टू बचा, ये गया, एक वाई बचा, तो माइनस टू वाई बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे 35 माइनस वाई इंटू वाई रेस टू फोर इंटू क्या होगा, तो 35 × 5 अगर आप देखो तो क्या होगा 35 × 5, तो इट इज 150 प्लस 25, तो इट इज 175 माइनस 5y माइनस 2y, तो इट इज 35 माइनस y इंटू वाई रेज टू 4 इंटू 175 माइनस 7y। ओके तो यहाँ पे देखते हैं 7 कॉमन निकल सकता है नहीं निकल पाएगा, 7 निकालना है तो 7 × 35 से, ओके 25 से हो सकता है, 25 से, ओके सही है 25 से चलेगा, तो 7 निकाल दो, तो 7 × अब ये y रेस टू 4 आगे ले लो, 35 माइनस y इंटू 25 माइनस y, ओके ये हो गया सिंप्लीफाइड फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। ओके चलो अब आप सेकंड स्टेप पे चलते हैं, सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप है हमारा लेट एफ डेस वाई इज इक्वल टू जीरो, चलो एफ डेस वाई इज इक्वल टू जीरो लो, तो एक बात समझो कि 7y^4 इंटू 35 माइनस वाई इंटू 25 माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो अब y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है डायरेक्टली फाइंड करना है, इसे आपको कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है, डायरेक्टली बोल देना। फर्स्ट ऑफ ऑल y की वैल्यू जीरो हो सकती है, y की वैल्यू 35 हो सकती है, और y की वैल्यू 25 हो सकती है। सबसे पहले y तो जीरो बोला, y नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये तो जीरो नहीं होगा, क्लियर है। दूसरी बात, अगर y इज इक्वल टू 35 हुआ, तो y इज इक्वल टू 35 हुआ तो यहाँ पे x का वैल्यू जीरो हो जाएगा, समझो, तो वो भी सही नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा होगा y इज इक्वल टू 25 ओनली, एक ही केस अवेलेबल है आपके लिए, वो याद रखना, समझ में आ रहा होगा। तो ये y इज इक्वल टू क्या देगा आपको 25, ओके क्लियर है। तो y इज इक्वल टू 25 पहले लेते हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि y इज इक्वल टू 25 आ गया हमारे पास, ओके y इज इक्वल टू 25 y इज इक्वल टू 25 हमारे पास आ गए, और बिकॉज y इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 35 ऑल्सो, क्लियर है। चलो y इज इक्वल टू 25 आ गया, मतलब इस 25 पे फंक्शन लोकल मैक्सिमम या फिर मिनिमम हो सकता है, बट हमें क्या बताना है कि इस पर मैक्सिमम ही है, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, f डबल डैश फाइंड करना पड़ेगा, ओके f डबल डैश फाइंड करना पड़ेगा, या फिर मैंने बोला था f डी टी या फिर s डी टी, ओके फिर से मैं बता देता हूं आपको, यहाँ पे f डबल डैश लिख के, f डैश वाई क्या था, f डैश वाई था 7y रेज़ टू 4 इंटू 35 माइनस वाई इंटू 25 माइनस वाई, ओके
अब बात को यहां पे आप समझो, अगर आप यहां पे डबल डिफरेंशिएशन करते हो तो सबसे पहले आपको एफ डैश वाई सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप डबल डैश फाइंड कर सकते हो, और वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा आपके लिए। इसका डिफरेंशिएशन कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, अगर आप पॉलिनोमियल बना लो तो सिंपल हो जाएगा, बट आपको समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड होगा ही। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब यहाँ पे आप एफ डी टी भी कर सकते हो, एफ डी टी करना है तो एफ डी टी कर सकते हो, एच डी टी करना है तो एच डी टी कर सकते हो, दोनों का लेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम ही होगा। तो मैं यहाँ पे आपको एफ डी टी करके बता रहा हूं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर क्या करना था कि y इज इक्वल टू 25 के लिए आपको ये देखना था कि लेस देन 25 के लिए फंक्शन कैसा है और ग्रेटर देन 25 के लिए फंक्शन कैसा है। तो अब यहाँ पे समझो y रेस्ट 4 वो तो पॉजिटिव नंबर ही है इसलिए पॉजिटिव रहेगा, और 35 माइनस वाई, अब ये समझो y की वैल्यू 35 से तो कम ही होगी क्योंकि x नेगेटिव नहीं है, क्योंकि वहां पे बोला है नॉन पॉजिटिव नॉन जीरो, ये क्वेश्चन में था बट मैंने लिखा नहीं, बट 35 माइनस वाई तो ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि वाई की वैल्यू 35 से कम होनी चाहिए, तो ये दोनों तो पॉजिटिव ही है, बस डिसाइडिंग फैक्टर इज ओनली 25 माइनस वाई। तो आप समझो यहाँ पे एफ डी टी कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एफ डी टी करना है तो आपको टी लिखना पहले उल्टा, यहाँ पे एक्स इक्वल टू सॉरी वाई इज इक्वल टू 25 व्हेन वाई लेस देन 25 एंड वाई ग्रेटर देन 25। अब तो यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट लिखवाओ बिकॉज हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर ही दिए है, तो y लेस देन 25, y ग्रेटर देन 25, अगर y की वैल्यू 25 से कम है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये दोनों को देखने की जरूरत ही नहीं है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, f डैश y पॉजिटिव, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव। अब विदाउट थिंकिंग आप लिख दो डायरेक्ट, एक बार पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पे नेगेटिव होना पड़ेगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे कंपल्सरी पॉजिटिव होना पड़ेगा। ओके तो दिस फंक्शन इज अ ग्रेटर देन जीरो, दिस फंक्शन इज अ इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, तो ये किसके साइन है, मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम, बट ये अभी तो लोकल मैक्सिमम मिनिमम की बात ही नहीं करनी है। तो सो एक्स स्क्वायर इंटू वाई रेज़ टू 5 इज मैक्सिमम फॉर वाई इज इक्वल टू 25 एंड x is equal to y is equal to 25, तो x is equal to क्या होगा 10, simple, तो y की value 25 and x की value 10 के लिए this function x square into y raised to 5 is maximum। हाँ, यहाँ पे maximum value कितनी होगी वो हमें find करने को नहीं बोला है, but extra करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, extra कितना maximum ये नहीं पूछा है, कहाँ पे maximum ये पूछा है ये बात समझ लो। तो यहाँ पे कहाँ पे maximum है, तो x 10 y 25 यहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम है, बट कितना मैक्सिमम है वो हमें नहीं पूछा, बट फिर भी मैं आपको मैक्सिमम फाइंड करके दे देता हूँ, x square into y raise to 5 is equal to 10 whole square into 25 raise to 5। ओके अब मैं फाइंड करके दे रहा हूँ, मतलब ये मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करने वाला हूँ, आपको करना है, बट इसका वैल्यू फाइंड कर लो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, क्लियर है। ओके सबसे पहले इतना लिख दो, पॉज द वीडियो क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अलग टाइप के थोड़े। ओके लिख दो, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप ये नहीं समझ पाए तो सबसे पहले इसका वीडियो फिर से देखो, क्योंकि ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो हमारे लिए एक हमारा जो है वो बेसिक क्वेश्चन होगा। इसके अंदर था क्या, दो वेरिएबल था, फंक्शन दिया था, एक वेरिएबल में कन्वर्ट किया, उसके बाद क्वेश्चन शुरू किया था, बट अभी जो क्वेश्चन आने वाला है उसके अंदर आपको वेरिएबल भी नहीं दिए होंगे। ओके वो वेरिएबल आपको एज्यूम करने पड़ेंगे, आपको समझा रहा हूं, वो वेरिएबल आपको सबसे पहले एज्यूम करने है। वेरिएबल एज्यूम करने के लिए पहले तो आपको डेटा दिया होगा, जियोमेट्रिकल डेटा दिया होगा, एक स्क्वायर का दिया डेटा दिया हो सकता है, सर्कल का दिया डेटा दिया हो सकता है, ओके कौन सिलेंडर कुछ भी दिया हो सकता है। सबसे पहले वो डेटा हमें समझना पड़ेगा, और उसके बाद किसको वेरिएबल बोलना है और किसको फंक्शन बोलना है वो समझना पड़ेगा। बट अभी तो बेसिक हमने जो क्वेश्चन अभी ये किया तो आपको समझ में आ ही गया होगा
कि जो मैक्सिमाइज और जो मिनिमाइज ऐसा दिया होता है, जहां पे वर्ड ऐसा लिखता हुआ है दिस इज मैक्सिमम या फिर दिस इज मैक्स मिनिमम, ऐसा जहां पे वर्डिंग यूज किया होगा उसको हम फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन तो आपके पास क्लियर है, बस ओनली रह गया क्या गया है हमारे पास, वेरिएबल डिफाइन करना। तो यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करते चलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन का डेटा मैं आपको सबसे पहले लिख के बता देता हूँ कि डेटा क्या है यहाँ पे। एग्जाम्पल नेक्स्ट, ओपन बॉक्स विथ स्क्वायर बेस, ओपन बॉक्स विथ स्क्वायर बेस इज टू बी मेड, मतलब कि आपको एक ओपन बॉक्स विथ स्क्वायर बॉक्स बनाना है, बट वो ऊपर से ओपन होना चाहिए और उसका बेस स्क्वायर होना चाहिए। द टोटल सरफेस एरिया इज ए सी स्क्वायर एंड सी इज अ कॉन्स्टेंट, ऐसा बोला है। देन प्रूव दैट मैक्सिमम वॉल्यूम इज सी क्यूब डिवाइड बाय 6√3। ओके, पहले पहले तो आप क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन तो आपको समझ में नहीं आया होगा आई थिंक। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन के अंदर आपको ये, हाँ पहले बात ये कि मैं आपको ये क्वेश्चन क्यों कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्योंकि बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें से मैंने थोड़ा ये ऐसे क्वेश्चन लिए हो जो कॉम्प्लिकेटेड हो, सिंप्लीफाइड नहीं लिए हो, याद रखना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या मैक्सिमम या फिर मिनिमम बनाना है, देखो प्रूव दैट बोला है, प्रूव दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम इज, मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम ऐसा बोला है। तो वॉल्यूम इज अवर फंक्शन, प्रूव करना है सही है, बट वॉल्यूम इज अ मैक्सिमम। तो यहाँ पे फंक्शन इज डिफाइन, ये आप समझने के लिए लिखो फंक्शन इज वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम हमारे लिए फंक्शन का काम करेगा। दूसरा, रिलेशन चाहिए हमें दो वेरिएबल के बीच में। तो यहाँ पे बॉक्स का वॉल्यूम होता क्या है, चलो बॉक्स का कोई भी बॉक्स का वॉल्यूम अगर आप देखो तो क्या होता है, तो आपको समझ में आ रहा चाहिए लेंथ विड्थ एंड हाइट का मल्टीप्लीकेशन। जो यहाँ पे लेंथ विड्थ हाइट आपको एज्यूम करनी पड़ेगी, क्लियर है? तो मैं यहाँ पे एज्यूम करके बता रहा हूँ, पहले मैं आपको रफ स्केच करके मैं बता देता हूँ कि कैसा दिया हुआ है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रिलेशन लाने की ट्राई कर रहा हूँ और वेरिएबल एज्यूम करने की बात कर रहा हूँ। ये ऊपर से ओपन है, ओके ये समझ लेना आप थोड़ा। ओके, ये बॉक्स है, ऊपर से ओपन है, ओपन बॉक्स। ओके चलो, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो बॉक्स बन रहा है उसका आपको लेंथ वेथ नहीं दिया हुआ है, लेंथ वेथ हाइट भी नहीं दिया हुआ है, तो वो हमें एज्यूम करना पड़ेगा। अब समझ में आ रहा होगा कि वेरिएबल कहां से निकलने वाला है। तो लेट लेंथ विड्थ एंड हाइट ऐसे बोल सकते हैं। तो लेट लेंथ ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये एक्स लिया, ये ऑटोमेटिकली एक्स हो जाएगा क्योंकि यहां बोला है स्क्वायर बेस है, तो विड्थ इज ऑल्सो एक्स, कोई बात ही नहीं यहाँ पे। लेंथ ऑफ बॉक्स इज एक्स। अब हाइट की बात कर लेते हैं, ओके हाइट क्या दिया होगा, हाइट ऑफ बॉक्स, ओके हाँ हाइट ऑफ बॉक्स क्या है, वाई, चलो मान लो वाई ले लिया, तो ये वाई 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 पूरा। ओके, तो ये लेंथ एंड विड्थ एंड हाइट डिफरेंट हो गया। ओके, लेंथ विड्थ तो मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वो एक्स ऑलरेडी है। चलो, तो इसको मैंने एक्स वाई नाम दे दिया। अब हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक्स वाई के बीच में रिलेशन। तो आपको दो डेटा दिया हुआ है, ये मैक्सिमम की बात यहाँ पे की है, दूसरा बोला है
टोटल सरफेस एरिया इज सी स्क्वायर, तो सरफेस एरिया बोलो, चलो इसका सरफेस एरिया, चलो सरफेस एरिया क्या होता है, तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू, आपको ये समझ में आ रहा, पहले तो स्क्वायर का फाइल कर लो, एक्स स्क्वायर, इसका क्या होता है एक्स स्क्वायर। अब ये 1 2 3 4, ये चार साइड है बाजू बाजू में, उसका 4 टाइम। अब आप देखो तो क्या होगा, एक का फाइंड कर लो, तो ये है हाइट है वाई और ये है एक्स, तो एक्स इंटू वाई, तो 4xy इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब समझो बात को, ओके आगे बढ़ते हैं। दूसरा, इसके अंदर से आप किसको सब्जेक्ट बना सकते हो, वाई को या एक्स को, तो एक बात याद रख लो, इसमें से मैं एक्स को सब्जेक्ट नहीं बना सकता। ओके, अगर बनाना है बट तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट अभी तो हम नहीं बना सकते, तो यहां पे मैं वाई को सब्जेक्ट बना सकता हूँ, तो वाई को सब्जेक्ट बना लो। क्लियर, तो वाई को सब्जेक्ट बना लेते हैं, वाई इज इक्वल टू क्या होगा, और अगर वाई को सब्जेक्ट नहीं बनाना है तो थोड़ी देर के लिए रहने दो, फंक्शन देख लेते हैं क्या आ रहा है। ओके, फंक्शन देख लेंगे क्या आ रहा है, उसके बाद हम वाई को या फिर एक्स को सब्जेक्ट बना लेंगे। ओके, तो थोड़ी देर के लिए ऐसे एज इट इज रहने दो। अब आगे बात करते हैं फंक्शन की, तो यहाँ पे फंक्शन हमारे लिए क्या काम करेगा, फंक्शन कौन बनने वाला है, तो इट इज अ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, तो वी इज इक्वल टू, वॉल्यूम क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। अब वाई की वैल्यू रखनी चाहिए एक्स की, आपको समझ में आ रहा होगा, ये तो अच्छे से वाई की वैल्यू रखनी चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे वाई की वैल्यू रख रहा हूँ। ओके, पहले राइट राइट इट डाउन, सबसे पहले यहाँ पे वाई की वी, पहले वी लिख देता हूँ कहाँ पे पहुंचे थे हम, कि भाई वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अब आपको वाई की वैल्यू रखनी है, तो आप फंक्शन का बुला लो, क्या था क्वेश्चन, रिलेशन सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, तो इसमें से अगर वाई को सब्जेक्ट बनाना है कैसे बनाएंगे, तो पहले तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy, तो वाई सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4x इज इक्वल टू वाई, ये रहा वाई आपके लिए, तो हम यहाँ पे वाई की वैल्यू रख देते, तो वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4x। अब इसको सिंप्लीफाई करो, अब ये एक्स में हो गया कन्वर्ट, तो वी की जगह पे मैं क्या रखूंगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स कट, एक एक्स रहेगा, एक्स एक्स कट हो जाएगा, एक एक्स रहेगा और अंदर भेज दो, सी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब। क्लियर है, खत्म। अब एफ ऑफ एक्स हो गया, अब हमारा फर्स्ट एफ एफ डैश एक्स फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स फाइंड किया तो क्या होगा, 1/4 इज अ कॉन्स्टेंट, सी स्क्वायर एक्स, सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट एक्स का 1 माइनस सी एक्स क्यूब, तो इट इज अ 3x², तो ये हो गया डिफ्रेंसिएशन। क्लियर है, अब आगे बात करते हैं, तो सेकेंड स्टेप, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लेना है, तो 1/4 सी स्क्वायर माइनस 3x² इज इक्वल टू 0, तो सी स्क्वायर माइनस 3x² इज इक्वल टू 0, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3x², तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई 3, तो एक्स इज इक्वल टू सी बाय रूट 3। अभी यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे प्लस प्लस और माइनस क्यों लिखना नहीं लिखा मैंने, जनरली अगर देखो तो यहाँ पे आपको प्लस और माइनस लिखना पड़ता है, बट मैंने नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, तो क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि एक्स इज अ लेंथ विड्थ, ये है लेंथ विड्थ ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ओके, तो सी बाय रूट 3 ओनली एक आंसर आएगा, तो ये समझ में आ रहा होगा, इसके लिए वॉल्यूम इज अ मैक्सिमम, बट वो हमें चेक करके बोलना पड़ेगा, तो थर्ड स्टेप चेक करना है, तो डबल डैश फाइंड कर लो, इसके लिए डबल डैश इजिली फाइंड कर सकते हो तो इजिली फाइंड कर लो, चलो डबल डैश एफ डबल डैश एस डी टी करेंगे, चलो इसमें तो एफ डी टी की करो तो भी चलेगा, बट मैं एस डी टी कर रहा हूँ, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 1/4 कॉन्स्टेंट सी स्क्वायर का 0 माइनस 6x, इट इज अ माइनस 2x/3,
ओके तो ये तो कुछ भी रखो नेगेटिव आने वाला आपको समझ में आ रहा होगा, बट कोई बात नहीं हम बता देते हैं कि हियर एफ डबल डैश क्या है, सी बाय रूट थ्री, तो माइनस टू बाई थ्री इंटू सी बाय रूट थ्री, इट इज अ लेस देन जीरो, लेस देन जीरो ही होगा कंपल्सरी, तो बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव है, बस लेस देन जीरो है, सो वॉल्यूम लेस देन जीरो है तो इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू सी बाय रूट थ्री। ओके तो ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है कि वॉल्यूम इज अ मैक्सिमम एट सी इज इक्वल टू रूट थ्री, सी बाय रूट थ्री, बट यहां पे क्वेश्चन के अंदर आपको मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करने को भी बोला है, सो मैक्सिमम वॉल्यूम इज, मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बोला था हमने, एफ ऑफ एक्स तो वो है यहां पे सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फोर, ये एफ ऑफ एक्स, बिकॉज वी इज एफ ऑफ एक्स, कभी कभार ये भी हो सकता है वी स्क्वायर करना पड़ेगा कभी कभार तो, एंड वी स्क्वायर इज एफ ऑफ एक्स, वो भी समझ में आएगा आपको आगे, ये v इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, कभी कभार एफ ऑफ एक्स वी स्क्वायर की जगह पे भी लिखना पड़ेगा। चलो x की वैल्यू रख दो c बाय रूट थ्री, तो c c बाय रूट थ्री रखा तो यहाँ पे सी क्यूब बाय रूट थ्री बनेगा, माइनस यहाँ पे क्या बनेगा सी क्यूब डिवाइड बाय रूट थ्री क्यूब, मतलब थ्री इंटू रूट थ्री होल डिवाइड बाय फोर, तो सी क्यूब बाय रूट थ्री कॉमन, तो फोर भी कॉमन, बचेगा क्या यहाँ पे वन माइनस वन बाई थ्री, तो सी क्यूब डिवाइड बाय फोर रूट थ्री इंटू टू बाई थ्री, तो टू टू कट, तो सी क्यूब डिवाइड बाई यहाँ पे सिक्स रूट थ्री आंसर आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द ओपन बॉक्स हियर इज अ सी क्यूब डिवाइड बाई सिक्स रूट थ्री। राइट इट डाउन एंड पोस्ट वीडियो।